खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां जनता हॉस्पिटल में लगाई गई क्षेत्र की पहली डायलिसिस मशीन का शुभारंभ आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। आपको बता दें कि हॉस्पिटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नौहर विधायक अमित चांचौन व जिला कलेक्टर नथमत डिडेल ने डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता चैरिटेबल क्लिनिक प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुरेश चांचौन ने की। गौरतलब है कि हॉस्पिटल में दो डायलिसिस मशीनें लगाई गई है। दोनों मशीनें दानदाताओं द्वारा प्रदत्त की गई है। स्वर्गीय पूर्णामल चाचाना की स्मृति में उनके परिवारजनों व कोलकाता निवासी बाबूलाल भुकरेल वाला ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय गायत्री देवी की स्मृति में एक एक डायलिसिस मशीन प्रदत्त की है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए विधायक अमित चाचाना ने जनता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन लगाने से रोगियों की भारी सुविधा होगी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नाथमल डिडेल ने कहा कि देश के कोने कोने में बसे प्रवासियों का नौहर की माटी के प्रति जुड़ाव देखते ही जनता है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ दानदाताओं के सहयोग से विकास कार्यों की गति दोगुनी होती है। जिला कलेक्टर ने ट्रस्ट के हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा भाव के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर जनता हॉस्पिटल के अध्यक्ष सुरेश चाचाण ने सहयोग के लिए सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए निकट भविष्य में हॉस्पिटल में 15 लाख की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर से हॉस्पिटल में डायलिसिस सेवा की चिरंजीवी योजना से जोड़ने की मांग की। सुरेश चाचाण ने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य हॉस्पिटल में रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया हो। संस्था के मंत्री राजेंद्र भुकरेवाला ने आभार व्यक्त करते हुए संस्था द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जनता क्लिनिक चैरिटेबल ट्रस्ट में दो डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष सुरेश जी चाचाण और पूरे सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं कि आज आपके माध्यम से नौहर के नागरिकों को एक सौगात मिली है। इसके माध्यम से अब नौहर के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और नौहर में ये सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मैं भामाशाह परिवार, चाचाण परिवार और भुकरके वाला परिवार का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये दो मशीनें नौहर के इस जनता क्लिनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के स्थापित किए। धन्यवाद। जनता चैरिटेबल क्लिनिक यहाँ जो नौहर में स्थापित है, वहाँ पर श्री सुरेश जी चाचाण और इनके जो ट्रस्ट के सभी मैनेजमेंट के सभी मेंबर साहिबान हैं, भामाशाहों के द्वारा, दानदाताओं के द्वारा जनता चैरिटेबल क्लिनिक में दो डायलिसिस मशीन की शुरुआत की गई है और जो मात्र 800,000 रुपये में की जाएगी। मैं समझता हूँ कि डायलिसिस मरीजों के लिए ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिसार और जिला अस्पताल में जाना पड़ता है, तो आने जाने का और डायलिसिस का खर्चा मिला करके एक बार में 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जो कि इन गरीब परिवारों को बहुत बड़ी रिलीफ होगी। मेरा ये प्रयास होगा कि यहाँ के इस चैरिटेबल ट्रस्ट को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको एम्पैनल करवाएंगे, ताकि इन 800,000 रुपये का भी पुनर्भरण वापस मरीजों को हो जाएगा और उनके लिए निःशुल्क रूप से डायलिसिस शुरू होगी।